ईडी की ओर से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा देश भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑफिसों पर मारे जाने वाले छापों के विरोध में शुक्रवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की ओर से विरोध प्रदर्शन किया। शहर की जामा मस्जिद पर दोपहर 2:15 बजे से शुरू किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान उपस्थित सभी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार देश भर में फासीवादी नीतियों के खिलाफ उठने वाली हर एक आवाज को दबाना चाहती है। जो भी सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करते हैं उनके तमाम घटकों को ईडी आरएसएस के हथियार के रूप में टारगेट कर रही है। इसी के तहत ईडी ने पिछले दिनों पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑफिसों पर छापे मारे तथा सरकार के कृषि बिलों का विरोध कर रहे किसानों पर बल प्रयोग करवाया गया। विरोध प्रदर्शन में शामिल सभी ने ईडी को आरएसएस का हथियार बनना बंद करने का गुजारिश की। कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए किए गए विरोध प्रदर्शन में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सचिव वाहिद कुरैशी, इकाई अध्यक्ष रियाज हुसैन, मीडिया प्रभारी इमरान मंसूरी, फारूक मंसूरी, हारून मंसूरी, सलीम नागौरी, नदीम मोहम्मद, इमरान नागौरी, हुसैन रियाज, फैजान रजवी, रम समीर तथा इमरान कुरैशी आदि शामिल थे। और सचिव बता के ईडी एक गैर कानूनी जो काम कर रही है। ईडी हर मतलब हर जिले में जो प्रेसिडेंट है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के वहाँ पर जाकर ईडी रेड कर रही है और उनको कोई हाथ में नहीं आ रहा। ये आरएसएस के द्वारा चलाई जा रही है ईडी, तो आरएसएस ही से चला रही है, बीजेपी या कोई गवर्नमेंट नहीं। इसकी वफादारी तब साबित होगी जब ईडी बीजेपी के ऊपर कार्रवाई करेगी और आरएसएस के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता है जो इधर बड़ा बड़ा लेन देन करते हैं और उसकी छोटी छोटी एनजीओ पर वो कभी डाका नहीं डालती, वो कभी उस पर रेड नहीं मारती। सिर्फ ईडी ही पॉपुलर फ्रंट को निशाना मारा है ताकि तंजी में ख़त्म हो जाए, जो मुस्लिम आवाज़ें उठाती है इनका लीडर ख़त्म हो जाए। इनका लीडर डर गया है और बैठ गया है एक जगह, इसलिए डराया जा रहा है और धमकाया जा रहा है ईडी के जरिए। संस्कार आईटीआई 10वीं पास छात्र छात्राओं के लिए सुनहरा मौका। संस्कार आईटीआई कीजिए 2 साल का ट्रेड इलेक्ट्रिशियन कोर्स और बनाइए अपना भविष्य उज्जवल। 2 साल में आईटीआई डिप्लोमा के साथ 12वीं पास की मान्यता, स्वच्छ हरा भरा वातावरण, वाईफाई कैंपस युक्त आधुनिक तकनीक से बेहतरीन कोचिंग, साथ ही ट्रेंड टीचर द्वारा इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में प्रैक्टिकल की सुविधा, अत्याधुनिक आईटी लैब, क्षेत्र का एकमात्र अपग्रेडेड आईटीआई संस्थान, संस्थान के प्रथम बेंच में ही हीरो मोटोकॉर्प, मिल्सुबी जैसी प्राइवेट कंपनियों में 32 विद्यार्थियों का चयन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्लेसमेंट की सुविधा और प्रत्येक सेमेस्टर में 90% से अधिक परीक्षा परिणाम, प्रोजेक्टर एवं आधुनिक प्रणाली द्वारा ऑडियो वीडियो क्लासेस, सरकारी विभागों में नौकरी के बेहतरीन अवसर, ST SC OBC BPL व असहाय अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति की सुविधा और तो और छात्राओं को प्रवेश में विशेष छूट, प्रवेश प्रारंभ तो आज ही चले आए। संस्कार आईटीआई ठीकराना मैदान सेंदा रोड ब्यावर, निदेशक सोहन सिंह व प्रबंधक देवी शंकर, मोबाइल नंबर 9784766144, 9887171782।